हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छा हैं। लॉकडाउन में घर पे बैठकर आप स्टडी कर रहे हैं, आपकी स्टडी किसी प्रकार से बाधित ना हो, ये हमारा प्रयास है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 साइंस का लेसन नंबर 3। हम पहले इसका एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बात की थी सिंथेटिक फाइबर के बारे में। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्लास्टिक क्या होता है। ए प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल, ये भी क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। ठीक है, जो आदमी खुद तैयार करता है उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक, और जो हमें नेचर से प्रोवाइड होता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल। विच कैन बी मोल्डेड, मोल्डेड का मतलब होता है कि हम उसको चेंज करें, हम उसको कन्वर्ट करें और सेट करें इनटू डिजायर्ड शेप। डिजायर्ड का मतलब होता है बच्चों कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, हम अपनी चाहत के अनुसार उसको किस शेप में बदलना चाहें। व्हेन सॉफ्ट एंड देन हार्डेंड टू प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल आर्टिकल्स, मीन्स प्लास्टिक एक ऐसा मैन मेड मटेरियल्स है जिसे हम बार बार चेंज कर सकते हैं और हम अपने मुताबिक, हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको सेट कर सकते हैं हमारी डिजायर्ड शेप के अंदर। ठीक है, हम उसको पहले सॉफ्ट करेंगे, फिर हम उसको हार्डेंड यानी उसको मजबूती प्रदान करेंगे और एक ऐसा प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर लेंगे जो कि काफ़ी लंबे समय तक चले, ड्यूरेबल रहे। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की। देखिए प्लास्टिक का जो उपयोग है हम हर रोज़ करते रहते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम इसके यूज करते हैं हमारे जो दैनिक जीवन में। जैसे हम बात कर लें कि मग है, ठीक है, हमारी जो पानी वाली टंकी है, हमारा कोम्ब है, टूथब्रश है, हमारे पैंस हैं, ठीक है, वाटर पाइप्स हैं, टैंक वगैरह हैं, ये सभी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक का मतलब ही होता है इजी टू मोल्ड, यानी इसको क्या है, हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके सिंथेटिक फाइबर थे, जिस प्रकार आपके सिंथेटिक फाइबर थे, प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। हमने पिछली बार बात की थी पॉलीमर हम किसे कहते हैं, जो हमारी लार्ज यूनिट है। ठीक है, यूनिट्स है, यानी पॉली मतलब यूनिट्स और मर्स मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा यूनिट्स है हम एक चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई माला बनाते हैं तो उसमें जो कई सौ या कई हज़ारों की संख्या में जो मोती होते हैं, जो जिसे हम मनिए बोल देते हैं, वो होते हैं, तो क्या होते हैं, पॉलीमर्स का काम करते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए पॉलीथीन, सभी जानते हैं पॉलीथीन के बारे में। ठीक है, पॉलीथीन जो है पॉली और इथेन से मिलकर बना हुआ है। इथेन क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। आप हायर क्लासेस के में जब जाएंगे तो आप इथेन को काफ़ी डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पीवीसी क्या है, पीवीसी का पूरा नाम लिखें, तो पीवीसी होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर आता है बेकलाइट, मेलेमाइन और टेफ्लोन। देखिए हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर के अंदर नायलॉन, तो नायलॉन भी क्या है, एक प्लास्टिक का रूप है, क्योंकि हम नायलॉन से बहुत ही ज़्यादा यूज़ हम नायलॉन को करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके यूजेज क्या हैं। ठीक है, यूजेज हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो हमने ये एग्जांपल लिए हैं पॉलीथीन, पीवीसी, बेकलाइट, मेलेमाइन और टेफ्लोन, हम इनके यूजेज पढ़ लेते हैं, ये होते क्या, हम इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तो हम इनको डीपली पढ़ेंगे, हम किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि सारे पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीथीन। जैसे मैंने अभी बताया कि जो पॉलीथीन है ये दो वर्डों का मेल है, पॉली प्लस इथेन। ठीक है, इथेन, सॉरी नॉट इथेन, इट्स इथेन। ठीक है, तो पॉलीथीन इट इज़ ए प्लास्टिक ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इथेन। ठीक है, ये जो इथेन है आपका, इसको जब हम पॉलीमर की प्रोसेस से गुजारते हैं तब हमें प्राप्त होता है पॉलीथीन। ठीक है,
अब जो पॉलीथीन है वो क्या टफ है, टफ आप समझते होंगे मजबूत है, और ड्यूरेबल है यानी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। इट इज़ यूज इन प्लास्टिक बैग्स, हम पॉलीथीन से क्या बनाते हैं प्लास्टिक बैग्स बनाते हैं, वाटर प्रूफ प्लास्टिक सीट्स बनाते हैं, पॉलीथीन के हम बोटल्स बनाते हैं, बकेट्स बनाते हैं और डस्टबिन। तो ये जो भी हमने उदाहरण लिए हैं ये हम किसके बनाते हैं पॉलीथीन से हम बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने सारे देखे हैं बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, और सबसे इजी चीज़ ये है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, चीप हैं, ठीक है। तो आगे हम इसका सेकंड पढ़ेंगे पीवीसी। अब देखिए पीवीसी, पीवीसी होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इट इज़ हार्ड एंड नॉट फ्लेक्सिबल, जिस प्रकार आपका पॉलीथीन फ्लेक्सिबल था ये क्या है फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी लचीला नहीं है, ये सॉलिड है हार्ड है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन, अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है इंसुलेशन। तो बच्चों आपने इंसुलेटर सुने होंगे, आपने कंडक्टर सुने होंगे, ठीक है। तो जो इंसुलेशन का मतलब होता है कि ये उन मटेरियल्स के अंदर यूज़ किया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं कर सकती, ठीक है। यानी इंसुलेटर्स आपके वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें हीट और करंट जो है पास नहीं कर सकते। तो इंसुलेशन का मतलब होता है कहीं पर लगाना, ठीक है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक वायर्स लगाते हैं, पाइप्स है, गार्डन पाइप्स वो जैसे गार्डन के अंदर पानी देते हैं, ठीक है। तो वो जो होती है वो भी पीवीसी की बनी होती है। रेनकोट्स जो बारिश में पहनने वाले जो कोट्स होते हैं वो भी पीवीसी के बने होते हैं। सीट कवर्स जो गाड़ियों में सीट वगैरह होती हैं या हम घर पे भी कोई सीट कवर्स लेके आते हैं तो वो भी आपके पीवीसी के बने होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता हमारा बेकेलाइट, ठीक है। अब ये जो है काफ़ी हार्ड होता है, इट इज़ वेरी हार्ड एंड टफ प्लास्टिक, बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी है और टफ प्लास्टिक है ये। अब इसमें से भी क्या होता है हीट और करंट पास नहीं होता, इसलिए क्या है ये इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखिए जो मटेरियल्स पुअर कंडक्टर यानी इंसुलेटर की तरह काम करता है तो हम उसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पर हमें करंट लगने का खतरा होता है, ठीक है। जैसे हम जो स्विच है हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड हैं हम उनके अंदर बेकेलाइट का उपयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, जैसे कि सच एज इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स और सॉकेट्स। तो ये सभी ऐसे आपके जो भी हैं मटेरियल्स हैं या आपके जगह हैं जहाँ पर हमें करंट लग सकता है, लेकिन अगर हम बेकेलाइट्स की चीज़ें यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि बेकेलाइट क्या है पुअर कंडक्टर है, अगर पुअर कंडक्टर वो है तो इनके अंदर से जो करंट और हीट और पास नहीं हो सकती, इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ पे हमारा है मेलेमाइन, ठीक है। अब ये जो है इस प्रकार का प्लास्टिक है जो मतलब हीट को और अदर जो हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ी है उनसे बहुत अच्छे से या उनसे अधिक मात्रा में हीट को सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। अभी हमने पढ़ा पॉलीथीन के बारे में, पॉलीथीन को अगर हम थोड़ा सा हीट करते हैं या पीवीसी को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, उनकी जो शेप वगैरह वो चेंज हो जाती है। आपने देखा होगा पॉलीथीन अगर किसी हीट के संपर्क में आती है तो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो मेलेमाइन है ये इस प्रकार का प्लास्टिक है जो जल्दी से हीट नहीं होता, ठीक है। देखिए इट इज़ ए प्लास्टिक विच कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, यानी ये हीट को बहुत ज़्यादा सहन कर सकता है, टॉयलेट करना होता है सहन करना, बेटर देन किससे अच्छा अदर प्लास्टिक दूसरे प्लास्टिक से, एंड रेजिस्ट फायर, रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, किसको आग को, यानी आग नहीं लगने देता, इसके अंदर से हीट ही पास नहीं होती है तो आग कैसे लगेगी, ठीक है। इट इज़ यूज्ड, अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है वो देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, अब ये जो फ्लोर होती है ये होती है हमारी फर्श, ठीक है, क्या होती है फर्श। तो जो फर्श के ऊपर टाइल्स होती हैं उनके उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनब्रेकेबल किचन वेयर,
यानी ऐसे बर्तन, अनब्रेकेबल का मतलब क्या होता है, जो टूटे ना, ब्रेकेबल तो हो गए जो टूट जाए, और अनब्रेकेबल जो ना टूटे। किचन यानी किचन जो आपकी रसोई है, और वेयर मतलब उसमें प्रयोग होने वाले बर्तन, यानी अनब्रेकेबल किचन वेयर, जो आपके किचन में प्रयोग होने वाले हैं बर्तन वो कैसे बनाए जाए, अनब्रेकेबल, जैसे कि कप्स हैं, प्लेट्स हैं, तो इस प्रकार की बनाई जाती है जो टूटे ना जल्दी से, ठीक है। आपने देखी होगी प्लास्टिक की होती है, आपने ब्यास आदि में देखा होगा टेंट के अंदर जो होती है वो लगभग इसी मेलेमाइन की बनी होती है। पहले जो कांच की आती थी वो जल्दी से टूट जाती थी, लेकिन आजकल जो आ रही है वो उनमें मेलेमाइन यूज़ है जिससे वो टूटती नहीं है। सेकंड आगे इसका उपयोग देखिए, यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, जो हमारे आग बुझाने वाले जो टीम होती है जिसे हम फायर ब्रिगेड टीम बोलते हैं, उनके जो यूनिफॉर्म बनाते हैं उसके अंदर भी मेलेमाइन की कोटिंग होती है, क्योंकि मेलेमाइन बहुत ही ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है। अगर आप इससे बने हुए जो कपड़े अगर वो डाल लेंगे तो आप हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, आप आग में से गुजर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवंस, जो आपके माइक्रोवेव ओवंस होते हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टेफ्लोन की। अब ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रकार का हम कह सकते हैं स्पेशल प्लास्टिक है, जिसके ऊपर तेल जो है और वाटर वो स्टिक नहीं होती, यानी चिपकते नहीं है, यानी ऐसे बर्तनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो मतलब उसमें तेल ना चिपके, ठीक है। टेफ्लोन इज़ यूज फॉर गिविंग नॉन स्टिक कोटिंग, नॉन स्टिक का मतलब जो ना चिपके, ऐसी कोटिंग लगाई जाती है किसमें, ऑन कुकवेयर्स, जो भोजन पकाने वाले होते हैं उन बर्तनों के अंदर एक ऐसी कोटिंग की जाती है जिसके अंदर तेल वगैरह ना चिपके, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग बॉटम्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स आपने देखी हो जो हमारे घर में प्रेस होती है, जो हम आयरन करते हैं हमारे कपड़ों के, उसका जो नीचे का हिस्सा होता है जिसे हम बॉटम्स बोलते हैं, वो भी आपका टेफ्लोन का बना होता है, ठीक है। कंपनी भी आती है टेफ्लोन के नाम से जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, ठीक है। अब टेफ्लोन का काम ही होता है कि मतलब वो किसी चीज़ को चिपकाए ना, ठीक है, यानी उससे जो हमारे कपड़े होते हैं वो हीट से मतलब हम उसको आयरन करते हैं, लेकिन अगर कपड़े ज़्यादा हीट हो जाएंगे तो क्या होते हैं, कपड़े उससे चिप जाते हैं, ठीक है। तो अगर टेफ्लोन का उसका जो बॉटम्स बना हुआ है तो उससे हमें काफ़ी हद तक मतलब सेफ्टी मिल जाती है कि वो जो है कपड़े हमारे वो ज़्यादा जले ना, उससे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बेसिकली प्लास्टिक को दो भागों में बांट देते हैं, एक होता हमारा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम इनको डेफिनेशन और इनके अंदर डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक की। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, ए प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टेंड अगेन एंड अगेन बाय हीटिंग एंड कैन बी चेंज्ड, जिसे हम मोल्ड बोलते हैं, ठीक है, इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड ए थर्मोप्लास्टिक। अब इसको हिंदी में समझे क्या कह रहा है, कि क्या ऐसा प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक जिसे हम क्या कर सकते हैं, बार बार उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, उसको नरम कर सकते हैं, ठीक है, क्या करके उसको हीट करके, बार बार हम उसको हीट करके उसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं, एंड कैन बी चेंज्ड, और हम उसको बदल सकते हैं मोल्ड, ठीक है, हम उसके रूप को, उसके साइज़ को, उसके आकार को हम बदल सकते हैं, इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन, बार बार हम जो चाहें वो शेप उससे हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। अभी जैसे हमने बात की थी प्लास्टिक के एग्जाम्पल में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो पोलिथीन और पीवीसी है वो क्या है, आपके थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि पोलिथीन और पीवीसी एकमात्र ऐसे प्लास्टिक हैं जो मतलब हीट करने से क्या होंगे, हम उनको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसके यूजेज क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक आर यूज्ड फॉर मेकिंग दोज आर्टिकल्स विच डू नॉट गेट टू हॉट एंड आर फ्लेक्सिबल, यानी जो थर्मोप्लास्टिक है
इनका प्रयोग उन चीज़ों को बनाने में किया जाता है, आर्टिकल्स होते हैं कोई भी सामान, ठीक है, विच डू नोट, यानी जो नहीं होते, क्या गेट टू होट, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होते, एंड आर फ्लेक्सिबल, और क्या है वो फ्लेक्सिबल भी हो, ठीक है, लचीलापन भी उनमें होना चाहिए, वो सॉलिड ना हो, रिजिड ना हो, ठीक है, यानी जो शेप हमने दे दी उसके बाद वो मूव ना करें तो वो सॉलिड हो जाएगा। और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि हम उसको जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक बॉटल्स है, अब देखिए प्लास्टिक बॉटल्स को अब अगर हम थोड़ी हीट देंगे तो क्या होगी, ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, इसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। प्लास्टिक जार्स है, ये भी चेंज हो सकते हैं, कॉम्ब्स, कंघे, टॉयज़, खिलौने, प्लास्टिक बैग्स, रेनकोट्स, सीट कवर्स एट्सेट्रा। तो ये भी जो भी आपके जितने भी एग्जांपल हैं, अगर हम इनको क्या करेंगे, हीट देंगे तो क्या हो जाएंगे, इनकी शेप चेंज हो सकती है, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल हैं आपके थर्मो प्लास्टिक के। अब हम बात करते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक की। देखिए ए प्लास्टिक विच वंस सेट, यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको हमने एक बार क्या कर दिया, सेट कर दिया, यानी उसको हमने कोई भी शेप दे दी, कोई भी हमने उसको साइज दे दिया, डज नॉट बिकम सॉफ्ट, वो वापस सॉफ्ट नहीं हो सकता, अगर हम उसको हीट भी करेंगे तो सॉफ्ट नहीं होगा, वो टूट जाएगा, लेकिन हम उससे उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते ऑन हीटिंग, हीट करने पर। एंड कैन नॉट बी मोल्डेड, यानी हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते, मोल्ड का मतलब होता है बच्चों कन्वर्ट करना या उसको चेंज करना, ठीक है। हम इस प्रकार का जो प्लास्टिक होता है, अगर हमने उसको एक बार जो शेप दे दी है उसके बाद में हम उसको वापस से सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट करके, वो सिर्फ टूट सकता है और ना हम उसको कन्वर्ट कर सकते सेकंड टाइम, यानी जो हमने उसको फर्स्ट टाइम जो शेप दिया वो ही उसकी शेप रहेगी। ये है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसके जो एग्जांपल है मैंने अभी बताए थे मेलेमाइन और बेकेलाइट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है, इनको जो हमने एक बार शेप दे दी है उसके बाद वो दोबारा सेकंड टाइम हम उनको चेंज नहीं कर सकते। यूजेस देखिएगा, दीज प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर मेकिंग दोज आर्टिकल्स, यानी इन प्लास्टिक का यूज़ उन आर्टिकल्स को, उन सामान को बनाने में किया जाता है विच मे गेट टू हॉट ड्यूरिंग यूज एंड आर हार्ड। अब देखिए हम ऐसे आर्टिकल बना रहे हैं जो ज़्यादा हीट लेते हैं जब हम उनको यूज़ करेंगे, अगर हम यहाँ पर ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो मेल्ट हो जाए तो वो जो हमारे आर्टिकल्स होंगे क्या हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर मेलेमाइन और बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों ऐसे हैं कि अगर इनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल हम बनाएंगे उनको हीट करने पर भी वो मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, देखिए आप कोई भी जैसे फ्राइंग पैन वगैरह है उसका जो हैंडल होता है, ठीक है, अगर हम उसको गैस पे रखते हैं फ्राइंग पैन को तो उसका हैंडल जो मेल्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो ही पीवीसी या फिर पोलिथीन का बना होता तो क्या होता, मेल्ट हो जाता, ठीक है। प्लास्टिक प्लेट्स हैं, कप्स हैं, फ्लोर टाइल्स हैं, ठीक है, जो फर्श की जो टाइल्स होती हैं, या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, ये जो सभी आर्टिकल्स हैं, सभी जो आपके उपकरण हैं या हम कहें सामान हैं, इनके अंदर हम यूज़ करते हैं मेलेमाइन और बेकेलाइट का। इन प्रकार के आर्टिकल्स को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है और इसका इन्वायरमेंट के अंदर क्या इसका नुकसान हो सकता है, कैसे हम प्लास्टिक का अच्छे से यूज़ करें ताकि हम इसको बार बार यूज़ कर सकें, वो हम पढ़ेंगे। देखिए यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की क्या क्या यूज़फुल यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज़ है कि प्लास्टिक इज़ केमिकली अनरिएक्टिव, यानी प्लास्टिक जो है क्या है, अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव देखिए, एक होता है रिएक्टिव जो किसी के साथ में अभिक्रिया करे, ठीक है, और एक होता है आपका अनरिएक्टिव जो किसी के साथ में अभिक्रिया ना करे, यानी जैसे अगर यहाँ पे प्लास्टिक की जगह कोई मेटल होती जैसे आयरन है, ठीक है, तो आयरन को आपने देखा होगा मेटल है,
और वो जब हम उसको स्टार्टिंग में लेकर आते हैं तो आयरन शाइनिंग होता है, नया होता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो हवा और पानी के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, जंग बोलते हैं, ठीक है, आम भाषा में तो जम जाता है। लेकिन प्लास्टिक पे इस प्रकार का कोई भी जंग नहीं लगता है, ये क्या है, केमिकली अनरिएक्टिव। आप इसमें कुछ भी डालें तो इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेटल होगी तो उसके ऊपर फर्क पड़ता है, एसिड का, बेस का, साल्ट का, ठीक है। यानी अगर आप उसमें कुछ खट्टी चीज़ें डाल लेंगे तो उसका अलग असर होगा, ठीक है। कड़वी चीज़ें डाल लेंगे मेटल्स में तो उसका असर अलग होगा। लेकिन प्लास्टिक क्या है, केमिकली अनरिएक्टिव, उसका कोई असर नहीं होगा। सेकंड है कि प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, प्लास्टिक के अंदर से हीट भी पास नहीं होती और करंट भी पास नहीं होता, ठीक है ना। तो हम इससे वो मटेरियल्स बनाएंगे जिससे हमें मान लो करंट लग सकता हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लास्टिक के ही हम उपकरण यूज़ करेंगे ताकि हमें करंट ना लगे, ठीक है। थर्ड है इसका कि प्लास्टिक कैन बी मोल्ड। देखिए, प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जिसे हम बार बार चेंज कर सकते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज़ के अंदर। जैसे आप ये कोई भी मान लो बकेट्स बकेट्स है, इन टोकरी है, तो आप उसको कोई भी मतलब साइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा, ठीक है, आसानी से उसको हम कर सकते हैं। मग है, कोई भी फर्नीचर है, जैसे कि उसमें चेयर हो सकती है आपकी, कोई टेबल हो सकती है, या बैग है, कोई सीट है, ठीक है, या कोई खिलौने हैं, तो आप इनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो प्लास्टिक में वो काफ़ी आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है जो काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो क्या है कि प्लास्टिक आर क्वाइट चीप। चीप का मतलब होता है, ठीक है, क्वाइट चीप एंड इजली मेड, ठीक है, मेड का मतलब होता है बनाना। अब ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है और इसको आसानी से बनाया भी जा सकता है, ठीक है। अब अगर कोई मेटल की चीज़ होगी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो काफ़ी सस्ता होता है और इससे मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो आसानी से बन भी जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका कि प्लास्टिक इज़ लाइट। लाइट का मतलब होता है हल्का, स्ट्रोंग मजबूत और ड्यूरेबल, ज़्यादा समय तक चलने वाला, ठीक है। तो प्लास्टिक वज़न में हल्का होता है, मजबूत होता है और काफ़ी ड्यूरेबल होता है। आजकल जो आपके टिफ़िन बॉक्स भी हैं वो भी क्या आ गए, प्लास्टिक के आ गए, ठीक है। वाटर बॉटल भी, वो भी प्लास्टिक की है। घर में आप बाल्टी यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक की होती है, ठीक है, क्योंकि मेटल की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हैवी होती हैं, ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। अब बात करते हैं हम कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल और कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हमारा जो फोकस है वो इन दो वर्ड्स पर है कि बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, बायो का मतलब होता है जीव। जीव यानी जो भी आपके इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आपके जीव में आएंगे। डिग्रेडेबल, ठीक है, यानी वो किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर रहे हैं। दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जो नॉन का लोग है नहीं, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल तो वही मतलब है। इसमें नहीं और इसमें जो कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि ऐसे जीव जो किसी चीज़ को मतलब चेंज कर दे, कन्वर्ट कर दे, डिग्रेड कर दे, यानी उसको कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ले आए। कहने का मतलब है कि उसकी जो पहले शेप थी उसको तोड़ दे। फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर चलें, जैसे कि आपने देखे होंगे, मैं आम एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारा पेपर ही है। अगर हम पेपर को धरती के अंदर वैसे फेंक देते हैं तो हम कुछ समय बाद देखते हैं वो जो पेपर होता है मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसी की जगह हम कोई प्लास्टिक की कोई भी बोतल फेंक देते हैं, या फिर कांच से, जो ग्लास से बनी हुई कोई भी मटेरियल से अगर वो डाल देंगे, तो वो हम देखेंगे काफ़ी समय बाद भी हमें वैसी की वैसी मिलती है। लेकिन जो पेपर था, या हम देखते हैं जो काउडंग है, यानी गोबर वगैरह है गाय का, भैंस का, अगर हम इसे ऐसे ही मान लो भैंस जा रही है, गाय जा रही है, उसने गोबर कर दिया, तो कुछ समय बाद देखते हैं कि वो जो है वो मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। हम देखते हैं कि रोज़ाना बहुत अधिक मात्रा में जो है वो जानवर मरते हैं,
ठीक है। तो कुछ समय बाद उनकी जो बॉडी होती है डिकी हो जाती है, वो मिट्टी के अंदर बदल जाती है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी को मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये वो रहेंगे जो मतलब चेंज ना हो, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है। अब आप प्लास्टिक की वस्तु को अगर आप चाहे ज़मीन के अंदर भी गाड़ देंगे तो वो काफ़ी लंबे वर्षों के बाद भी आप देखेंगे तो वो आपको वैसे की वैसी मिलेगी, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं वो काम नहीं करते। तो चलिए इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल, ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, दीज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स। अब ये कह रहा है कि ऐसे मटेरियल, ठीक है, विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, जो प्रकृति की जो प्रक्रिया है या कोई प्रोसेस है उसके द्वारा क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। जैसे हमारे पेड़ के जो पत्ते हैं वो धरती में गिरते हैं, कुछ समय बाद क्या होते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं। तो क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। हमने तो उनको मिट्टी में नहीं बदला ना, वो क्या हो गए, नेचुरली ही मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि उन पर बैक्टीरिया ने क्या किया, अपना प्रभाव किया, एक्शन किया। तो वो तो हमारे लिए क्या है, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हैं। अब जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते। जैसे मैंने अभी बताया प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है, पोलिथीन जो है डिकम्पोज नहीं होती है, ग्लास यानी जो कांच है आपका वो डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी एक ऐसा मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज ना हो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जो आसानी से ना टूटे, ना छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होकर मिट्टी में बदल जाए। तो इस प्रकार के जो मटेरियल्स रहेंगे वो रहेंगे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि पहले थे वैसे ही बने रहेंगे। मैंने बताया प्लास्टिक जो है वो भी वैसे ही बना रहेगा, कांच है वो कांच के जो बोतल्स हैं वो भी वैसे ही बनी रहेंगी। ये जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो रहेगा कि हम किस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट से। अब देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों कि हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट, कि हम किस प्रकार हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट से हम बचा सकते हैं। तो उसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है जो आपके आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे, बोर्ड क्लासेस जैसे 10th क्लास में, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ठीक है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आएंगे एग्जाम में। तो वो है आपका यूज़ 3R, ठीक है। अभी 3R क्या चीज़ है, ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी 3R का क्या मतलब होता है। देखिए 1R का मतलब होता है रिड्यूस, 2R का मतलब होता है रीयूज, और जो 3R होता है उसका मतलब होता है रिसाइकल। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि रिड्यूस यानी किसी भी चीज़ के प्रयोग को हमने कम करना है, यानी प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें जो हमें ज़्यादा ज़रूर नहीं है उसके प्रयोग को हमने क्या करना है, कम कर देना है। जैसे सरकार ने भी बैन लगा दिया कि कोई भी जो दुकानदार है वो पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी ऐसे आइटम्स जो मतलब हम घर की जो बनी हुई है, मतलब हमारे कपड़े के थैले हैं या कपड़े के जो बैग हैं, हम उनके अंदर आराम से मतलब उनको ला सकते हैं। तो इस प्रकार के मटेरियल्स के लिए जो पॉलीथीन का उपयोग ना हो उसके लिए सरकार ने सख्त बैन लगा रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके उपयोग को कम कर देंगे। तो प्लास्टिक अगर कम रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी इसका अल्टरनेट हमारे पास क्या है कि हम कपड़े के बैग घर में सिलवा लें, अगर हमने सब्जी लानी है तो हम उस बैग को साथ लेकर जाएं, कोई और घर का सामान लेके आना है, किचन का सामान है, कुछ और सामान है, तो उसके लिए हम वो बैग को अपने साथ लेकर जाएं, ताकि उसका जो उपयोग होगा प्लास्टिक का कब कम से कम हो जाएगा। सेकेंड है रीयूज़, हम उसका प्रयोग दोबारा करें, यानी हम कोई भी चीज़ लेके आएँ, मान लो प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर के अंदर आई है, किसी भी प्लास्टिक से बने हुए डिब्बे के अंदर वो आई है, तो हम उस डिब्बे का दोबारा प्रयोग करें। मान लो हम पिकल्स लेके आए हैं, अचार लेके आए हैं, कोई और चीज़ लेके आए हैं, या तेल की बोतल लेके आए हैं, ठीक है, कोई जार है हमारे पास प्लास्टिक का जिसमें कोई आइटम आया हमारा, जैसे कि कोई मुरब्बा आया है, ठीक है,
ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करें, उनको जो उसमें मटेरियल है अगर वो जब ख़त्म हो जाएगा तो हम उनको अच्छे से धोकर हम उनका क्या करें, दोबारा से प्रयोग करें। लास्ट है इसका पॉइंट रिसाइकल। रिसाइकल यानी दोबारा से हम उसको क्या करें, नए सिरे से उसको बनाएं। देखिए हम कोई भी चीज़ लेके आए, चाहे वो हम तेल ही लेके आए हैं बोतल के अंदर, तो मान लो तेल का हमने यूज़ कर लिया, बोतल बच गई है, या हम अचार लेके आए, पिकल्स लेके आए, तो हमने अचार यूज़ कर लिया तो उसका जो खाली था वो कंटेनर बच गया। अब हम ऐसी चीज़ों को हम क्या करें, किसी कबाड़ के दुकान पर दे आएँ, ताकि वो जो है कंटेनर्स जो हमने खाली करके दिए हैं वो दोबारा से जाएं फैक्ट्रीज के अंदर, और वो उनको अच्छे से मतलब हीट करके मेल्ट करके एक नया प्रोडक्ट, एक नया जो कंटेनर वो तैयार करें जिसके अंदर आगे कोई मटेरियल डलकर आए। अब इन तीनों में ही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपका रिड्यूस, ठीक है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट पे लिखा कि अगर हम प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम उपयोग करेंगे तो हमें उस चीज़ की आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो हमने करना भी उसका यूज़ पड़े तो हम उसको रीयूज़ करने का प्रयास करें, यानी हम उसका दोबारा से उसका प्रयोग करें। तीसरे नंबर पे आता है रिसाइकल। देखिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये तरीका भी हम अपना सकते हैं, उसको इधर उधर इन्वायरमेंट में फेंकने से अच्छा है कि हम उसका एक प्रॉपर यूज़ करने के लिए उसको कबाड़ी की दुकान पर देके आ जाएं, ताकि वो दोबारा से फैक्ट्रीज में जाकर एक अच्छे उसके अंदर बनकर आ जाएं। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे जो हमारे प्रैक्टिस मेथड्स जो हम प्लास्टिक वेस्ट को हम कम कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो लेसन नंबर 3 होता है वो कंप्लीट होता है। इसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए हम एक PDF बनाकर हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर उसका लिंक दे देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट्स करके आप हमें बताएं कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है, इसमें कोई कमी है तो भी आप हमें बताएं। ठीक है, अगर देखिए आपका जो कमेंट्स हमें मिलता है अगर वो अच्छा मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हम आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ठीक है, मेरा आप व्हाट्सअप नंबर है 8398640006। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मैं उनका समाधान करने के लिए जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी प्रयास करूँगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करना मतलब ना भूलें, इसको आगे अपने दोस्तों के पास शेयर करें जितना हो सके, मैक्सिमम आप सब्सक्राइब करवाएं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम जल्द ही आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।